दोस्तों IPL 2020 से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों अगर आप भी नीतीश राणा को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों IPL 2020 का 42वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। इस मैच में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। अब दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत ज़्यादा कुछ खास नहीं रही और दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल कैच आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 8 गेंदें खेलते हुए 9 रन बनाए जिसमें 2 चौके शामिल थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए नए बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 6वें ओवर की 4थी गेंद पर बोल्ड हुए। अपनी पारी में उन्होंने 12 गेंदों का सामना करते हुए 13 रन बनाए जिसमें 1 चौका शामिल था। इसके बीच तुरंत ही 8वें ओवर की 2री गेंद पर एक और नए बल्लेबाज दिनेश कार्तिक भी 6 गेंदों में 3 रन बनाकर कैच आउट हुए। इसी तरह से दोस्तों KKR का स्कोर 42 रन पर 3 विकेट हो चुका था और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए सुनील नारायण और उन्होंने नीतीश राणा के साथ बेहतरीन साझेदारी की और KKR की टीम का स्कोर 194 रनों तक पहुंचाया। जी हाँ, आपको बता दें इन दोनों के बीच 100 रनों से ज़्यादा की साझेदारी हुई जिसमें नीतीश राणा ने भी अपना अर्धशतक जड़ा और वहीं सुनील नारायण ने भी एक तूफानी अर्धशतक जड़ा। इसके बाद 17वें ओवर की 4थी गेंद पर नारायण कैच आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने मात्र 32 गेंदों का सामना करते हुए 64 रन ठोके जिसमें 6 चौके और 4 लंबे छक्के शामिल थे। वहीं दोस्तों उसके बाद 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर दूसरे सेट बल्लेबाज नीतीश राणा भी कैच आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 53 गेंदों में 81 रन बनाए जिसमें 13 चौके और 1 छक्का शामिल था। इसके बाद 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर ओएन मॉर्गन भी कैच आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 9 गेंद में 17 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। इसी तरह से दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 194 रनों का बड़ा स्कोर बनाया। KKR की तरफ से नीतीश राणा और सुनील नारायण ने बेहतरीन पारी खेली। अब दोस्तों आपको बता दें कि 195 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बहुत ही ख़राब रही और पहले ही ओवर की पहली गेंद पर सलामी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे LBW आउट हुए। वो एक गेंद में 0 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद तीसरे ओवर की 3री गेंद पर दूसरे सलामी बल्लेबाज शिखर धवन भी बोल्ड हुए। अपनी पारी में उन्होंने 6 गेंदों का सामना करते हुए 6 रन बनाए जिसमें 1 चौका शामिल था। वहीं इसके बाद ऋषभ पंत ने मिलकर श्रेयस अय्यर के साथ एक अच्छी साझेदारी ज़रूर बनाई लेकिन 12वें ओवर की 2री गेंद पर ऋषभ पंत भी आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 33 गेंदों का सामना करते हुए 27 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। वहीं इसके बाद 14वें ओवर की 2री गेंद पर नए बल्लेबाज शिमरन हिटमायर भी कैच आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 5 गेंद में 10 रन बनाए जिसमें 1 छक्का शामिल था। वहीं दोस्तों इसके बाद से लगातार दिल्ली कैपिटल्स के विकेट गिरते गए और तुरंत ही 14वें ओवर की 3री गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर भी कैच आउट हुए। उन्होंने 38 गेंदों में 47 रन बनाए जिसमें 5 चौके शामिल थे और वहीं उसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस भी कैच आउट हुए। इसी तरह से दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 110 रन पर 6 विकेट हो चुका था। ऐसे में दोस्तों आपको इस मैच में KKR की तरफ से यहां पर सुनील नारायण और नीतीश राणा की बल्लेबाजी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ध्यान से ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। IPL 2020 से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से ज़रूर दबाइएगा जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोस डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।